जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहाँ से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा।